नमस्कार प्रणाम। हम है रवि अरुआ देखा तरी मैच बॉक्स मैरवा थाना के छोटका मजा पंचायत के सजना गांव बटे आ एजा एक तरह से कहीं दू गो अगर पटीदार में आपस में जो जमीनी विवाद जो कि बहुत पहले से चलत आवत रहा वो जमीनी विवाद में यहाँ आपसी झड़प में एगो हत्या हो गई बा। आ रउआ के बताई कि मृतक जकर हत्या भइल बा घनश्याम दुबे उनका नाम रहल आ उम्र 60 वर्ष के रहल। उनका लड़का बड़े मुन्ना दुबे उनको गंभीर चोट आइल बा सर में चोट आइल बा आ उ बेहतर इलाज खातिर सिवान से शायद पटना रेफर हो गइल बा। कैमरा मैन से चाहे देखावे के इमें पुलिस के पूरा एक तरह से कहीं पुलिस छावनी में तब्दील हो गइल बा। मैरवा थाना प्रभारी प्रमोद कुमार जी यहाँ पहुँचल बनी जौन ए प्रभार के DSP साहब बनी वो भी पहुँचल बनी आ कैमरा मैन से चाहे देखी हई जा घटना भइल यही जा थी बा घटना भइल बा जहाँ की आपसी विवाद में सर में चोट लगला से एक आदमी के मृत्यु हो गई बा। कैमरामैन से चाहे यो देखा कि परिवार के जो परिजन बा उ परिजन काफी एक तरह से कहीं तो चिल्ला चिल्लाहट बा सारा लोग एकदम एक तरह से चिल्ला रहल बा। एक तरह से जाने के चाहल जाओ कि जौन जौन घटना भइल बा केंगा घटना भइल बा केंगा घटना भइल बा ये बताए। हम नहीं देखे थे हम छत पे थे। माने केहू बताई घटना केंगा भइल बा के बताई बाबू ने बताई को कैसे यार क्या मारा लागल घेर ले आलो लो मारत आलो लो अब ना देख लिए गा चल गई ल ये काम छी ले आवे काती केकरा केकरा में झगड़ा भर ले ये बताए। पापा जी का नहीं आई का नाम पापा जी को घनश्याम दुबे घनश्याम दुबे मुन्ना दुबे। अच्छा और वो पटदार लो में के रहल अब इतना हमनी के मालूम नहीं कि दरबारी रहल हन अनीश रहल हन आ कि ये चले काफी एथी बा। एक बार और कैमरा मैन से चाहन दिखावे खातिर की जब बगले में घर बा जौना परिवार से की झड़प भर रहा यही ये जो घर बा मात्र रोड के फासला बाटे ये रोड से ये रोड के बीच में ये दोनों आदमी के घर बा। पुलिस प्रशासन जौन बिया उ यहाँ पहुंच गए बिया। अब देखे गई बा कि ये मामला में कितना त्वरित कार्रवाई होता। एक हत्या हुई है क्या मामला है उसका। आज सुबह 8:30 बजे के करीब में थाना को सूचना मिली कि सजना गांव में दो पक्षों में जो दुबे जी लोग हैं आपस में परिवार के ही हैं दोनों उनमें जमीन का कोई विवाद चला आ रहा था पूर्व से उसी कॉन्टेक्स्ट में सुबह में लड़ाई हुई जिसमें अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें घनश्याम जी की मृत्यु हो गई है और एक आदमी घायल हैं जिन्हें कि सदर अस्पताल में दोनों को पहुँचाया गया है ताकि इलाज हो सके जो घायल हैं और यहीं से मैटर है। क्या आप कोई आवेदन दिया गया है जिसके तरफ से हत्या हुई है। अभी इनसे हम लोग बात किए तो इनका कहना है कि इनके जो पुत्र हैं वो बाहर रहते हैं उनसे ये विचार विमर्श करके आवेदन देंगे फिर हम लोग उसी बेस पे आगे कार्रवाई करेंगे। ये जो विवाद हुआ है सर क्या इसके पहले भी इन दोनों में विवाद हुआ था। पूर्व से इनके द्वारा बताया गया जैसा अभी तक जो सूचना प्राप्त है उसमें कि CO के यहाँ भी इनके द्वारा आवेदन दिया गया है थाना पे भी दिया गया था। इस संबंध में हम इनसे बोले हैं कि जो भी आवेदन है आप उस चीज़ को दीजिए और पूर्व में कब कब दिए हैं क्या बात हुई थी और उसमें क्या क्या प्रक्रिया हुई है इस संदर्भ में हम लोग पूछताछ किए हैं। आरोपितों के विरुद्ध में अभी तक क्या कार्रवाई है। अभी तक हम लोग उनके बारे में पता लगाना चूँकि घर पर वो नहीं है आसपास के एरिया में भी हम लोग देखे हैं सुबह से तो अभी तक तो कोई बरामद नहीं हुआ है भागे हुए हैं सभी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि अग्रिम प्रक्रिया की जा सके। उन लोगों से क्या कहिएगा सर कि जमीनी आए दिन देखा जा रहा है कि जमीनी विवाद में किसी न किसी की हत्या हो रही है। जमीनी विवाद में लोगों को चाहिए कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है CO के माध्यम से DCLR के माध्यम से या माननीय न्यायालय के माध्यम से उस पर विश्वास रखें और शांतिपूर्वक जो है प्रक्रिया के माध्यम से ही निवारण कराएं। अनावश्यक आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए थी और इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आम जनता। धन्यवाद।